हाँ लगा पहले पूरी ताकत लगा, मौका दे रहे ना जल्दी। हाँ और जोर से, जोर से, और जोर से, हाँ जोर से, कितने लाख लिया? 5 लाख, 4 लाख? जोर से बोलो, कैमरा मारूं कितना? कुछ भी नहीं लिया। 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कुछ तो दिए होंगे? नहीं कुछ भी नहीं दिए हाजिर करने के, कुछ भी नहीं। चलो ऐसी दास्तान रहती है और बहुत सारी बातें हैं ना क्या। और जोर से, और जोर से लगा पूरी ताकत। हाँ लगा पहले पूरी ताकत लगा, मौका दे रहे ना जल्दी। हाँ और जोर से, जोर से, और जोर से, हाँ जोर से, झगड़ा उसको और तेजी से होगा। इतनी ताकत है, लगा लगा और जोर से लगा एक बार, झगड़ा उसको तेजी से। हाँ लगा ताकत पूरी, लगा जोर से, हाँ जोर से, हाँ लगा, हाँ और जोर से, और जोर से, हाँ जोर से तेज के साथ। बंद था क्या? चालू है। और जोर से, क्या करना? काट के डाल दूँ तुझे? कौन है? मरयाला इंसान है कि जिन्नात की नस्ल से है, कि खबीस की नस्ल से है, किसकी नस्ल से है? जिंदगी, जिंदगी, जिंदगी नस्ल है। उन्हें जादू कर रहा है छोकरे पे। जोर से, जादू कहाँ से चला रहा? शमशान से, खबरस्तान से? कहाँ से? कहाँ से? शमशान से, कब्रस्तान से, मठ से, मठ से। अच्छा इसका क्या लिख गए थे जादू करते डंपे छोकरे का? क्या नाम है? मोहम्मद तायर का। क्या लेके गए थे जादू करते वक्त? ये ले गए, ये चड्डी लेके गए। जो कुछ है यार, इससे कुछ भी नहीं है, खिला के करे, ये यार खिला के करे उसको। दुश्मनी क्या थी? कुछ नहीं। कुछ नहीं। वैसा कैसा करते बगैर दुश्मनी के? सीधा बोल जल्दी, लगाओ उसके अंदर से तेज, जिससे आग जकड़ के रखो उसको, बाहर से संजर वालों को बुलाओ, उसको बन के डालो। अल्लाहुम्मा اللهم إني أعوذ إليك في هذه الحياة الدنيا أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أشهد أن محمدا عبدك ورسوله فعلى تكلني الله نفسي فعينك تكلني الله نفسي تقرب من الشيطان وإني لا تكل الله برحمتك فجعلني عندك أحد توفي إن عندك أحد طوفي الله يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد ولصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. जकड़ो उसको अंदर से और तेज एक साथ जकड़ के लो उसको, जला के मार मार के खत्म।
अब मारने का था कब मारने का था अम्मा में पूनम में क्या पूछा मैं जवाब जल्दी झगड़ो उसको नजर तेज रिक्शा नजदीक से कैमरा हाँ बयान कर जल्दी कब मारने वाला था इसको अम्मास में पुन्नम में हाँ हाँ जोर से और जोर से जकड़ो उसको और तेजी के साथ क्या पूछा मैं जवाब जल्दी कब मारने का उसको अम्मास में पुन्नम में टांग दो बाहर काट के ले गए झगड़ो उसको तेज एक साथ में झगड़ो उसको और तेज से जलाओ उसके हाथों में आग लगाओ तेजी से जलाओ उसको तेजी के साथ जलाओ उसके हाथ में आग लगाओ तेजी से याद आया क्या नाम पूछा मैं तुझे नाम पूछा क्या दुश्मनी थी कहे में मिला खिलाई कहे में मिला के खिलाई कहे में मिला के खिलाई कहे में अच्छा हाँ दवा लग गई अच्छा इसके पैसे छील रही थी और बाद में इसको मार देने वाली थी पैसे लूट लूट के हाँ कितना पैसा लूटी इसका अभी तक हाँ कुछ भी नहीं किया अच्छा फिर क्यों करी वजह कौन होती इसकी वो हाँ अच्छा फिर दुश्मनी क्या है भाई के साथ कई की दुश्मनी किस चीज की गलन अच्छा किसको नाम उसका नाम क्या है उसका नाम क्या है अच्छा अब इसके बाद उसका नंबर है क्या जाकिर का अच्छा क्या दुश्मनियां चल रही है क्या दुश्मनियां चल रही है अच्छा उनकी कमाई दमाई नहीं देखी गई तुझे अच्छा हाँ अच्छा उसको क्या करी इसके भाई को क्या करी उसको घर में से उड़ा दी घर में से उड़ा दी उसको अच्छा बहुत मिल गए रे रे छिनोल गए ये छिनोल गए बहुत मिल गए रे रे ये रे मिल गए रे छिनोल गए उसका क्या ली थी जादू करते टाइम पे छोकरे का वो मैंने उसका भी ली कपड़ा मट्टी चप्पल बाल क्या ली देखी ना कैसी रहती अल्लाह वालों की ताकत तो पूरा जला के राख कर देते तुम्हारे माँ की कमबख्त तो नालायक हो जहन्नुम के ईंधन हो ऐसा लोगों को परेशान करते चल तोबा कर जल्दी मुंह मार के फिर दोनों हाथों से काट दूंगा तोबा कर जल्दी दोनों हाथों से मार मुंह पे वो हाँ अल्टा के बोल तोबा जोर से बोल दोनों काट दूंगा वो चल
डालो, इसको बन के डालो, इसको जंजीरा लेके इसका सारा जादू बड़ा जकड़ लो और इसको मार मार के खत्म कराओ, इसको इसके सारे तंत्र मंत्र क्रियाओं को, इसके जादू के वारों को, इसके करनी कौटालों को सबको कैद करके ले लो। ये ऐसा है तो ये मसला ऐसा खुद को खुद लगे वाला नहीं है, वो बयान कर रही है, अंदर आकर उसको पकड़ के सामने लाए, जिसने भी जादू टोना करा उसकी जो भी ताकत है वो ताकतों को तुम्हारे सामने सब वाक्य बयान हो गया। उन्हें क्या बयान हो रहा, अंदर आकर क्या बयान कर रहा कि ये जो है तो दुश्मनी की वजह से जादू टोना करे। किस चीज की दुश्मनी भला मैंने, तो वो उसका कहना है कि कोई चीज की दुश्मनी नहीं, हसद और जलन लोगों और मोमिनों, मोमिन बंदे के दिल में हसद और जलन नहीं रहती नहीं रहती नहीं रहती, वो शैतान का साथी है जिसके दिल में। ए थोड़ा उधर से जा पीछे से, इतना नजदीक क्यों गया हमारा बार। हाँ, शैतान तभी दूर मत जा, बहुत दूर चल जा रहा। शैतान के जो साथी रहते उनके दिल में हसद और जलन है। रूहे जमीन का साथ, जमीन का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां इबलीस ने सजदे नहीं किया था अज़ाज़ील ने अल्लाह के लिए। इतने सजदे किया, इतने सजदे किया कि तुम आलिम हाफिज और मुफ्ती खारी भी क्या सजदे करेंगे, तुम्हारे क्या सजदे होंगे इससे, तुमने कितने सजदे करे होंगे पूरी जिंदगी में तुम्हारे गिन लिए। तो उन्होंने तो इतने सजदे अल्लाह के लिए सर जमीन पर रखा था, कहां कहां और कौन कौन से दुनिया का कोना ऐसा नहीं है जहां आपने रखा था उन्हें। लेकिन उसको हसद और जलन ने 70,000 फरिश्ते झुला देते थे, उसको इबादत के दर्जात के वजह से वो अल्लाह ने उसको मकाम अता किया था कि फरिश्तों के सरदार का ताज पहना दिया था उसको। बाद में उन्होंने अपने आप को क्या बना लिया, लानत का तौख अपने गले में पहना लिया। अगर क्या बोलते तुमने हुक्म खुदा नहीं माना तो हसद और जलन के वजह से मैं क्यों करूं उसको सजदा, वो मट्टी से बने अल्लाह है और मैं आग से बना हुआ हूं। इसलिए इधर से जा रहे, तेरा कैमरा किधर जा रहा, हसद और जलन के वजह से। और दूसरी बात, क्या आलम करके जमीन पे फेंका बाद में उसका इबलीस, दुनिया खत्म होने के बाद भी ला महदूद जिंदगी में भी स्पेशल जहन्नुम बनाया हुआ है उसके हालत, कभी निकलने वाला नहीं, अंदर लटक के रहेगा वो जहन्नुम के अंदर, उसको डाल दिया जाएगा। और इंसानों के जहन्नुम में अगर उसको डालेंगे तो उसको खाली भाप लगेंगी उसके अंदर, हाँ इतना ठंडा उसको स्पेशल बनाने वाली। ठीक है, क्या आलम हुआ, क्या मरदूद का लखब मिल गया, लानत का तौफ अपने गले में पिना लिया हसद और जलन की वजह से। अभी नाम निकला कि जिसने भी जादू करा एक्स वाई जेड, मुझे तो थोड़ी मालूम, मेरे थोड़े रिश्तेदार है, मेरा काम है तुम मेरे सामने आएंगे तो मैं वक्त आने में बरोबर तुम्हारा नाम सामने ला के पूछा दूंगा, वो तुम्हारे जबानी, मैं मेरे जबानी नहीं बोलता। ब्लैक मैजिक और पावरटेशन दोनों में फर्क है जमीन और आसमान का। ब्लैक मैजिक वो होता जो तुम जादूगरों के पास जा रहे, महाराजों के पास जा रहे, वो बलियां दे रहे, ये दे रहे, ये सख्त मना है, सख्त मना है। आज तक बलियां देने वाले का किसका भला हुआ, किसी का भला नहीं होता, कोई किसी का तंत्र मंत्र ज्यादा बढ़ नहीं सकता बलियां देने से। वो तुम्हारे उल्लू बना के बलियां लेते, क्या बोल के लेते कि उनकी ताकत है बढ़ाने के वास्ते, मगर उनकी कौन सी ताकत है, क्या ताकत है अल्लाह के कलाम के सामने, उनकी इतना करके भी इतना सब सिद्धियां उनके पूरी जिंदगी बर्बाद करके जो सीखते, तो देखो एक सेकंड के अंदर अल्लाह वालों के सामने जेर हो जाती, तलवे चाटने पे मजबूर हो जाती, धूल तलवे भी नहीं, तलवों के नीचे की धूल भी नहीं चाटन देते, तो जमीन की धूल चटा के उसको बता देते उसकी औकात और उसकी हैसियत। जिंदगी भर उन्होंने वहां पर वो तपस्या करके हासिल करे वाली चीजें, और शैतान की पूजा में, शैतान की पूजा के बगैर खालिस खालिक वो मालिक वो रब्बुल खाबा की इबादत अगर करता था अल्लाह की, तो उसको ऐसे मकामात फिर अल्लाह अता करता था जिसकी हद तुम देख सकते हैं लाइव में। और दूसरी बात, हसद और जलन पे से जो चल रहा था मामला, ये जो करे जादू टोना, जो भी नाम निकला एक तरक्की होगी थी बोल के करे, हाँ यकीनन करते, हदीस के अंदर आया, कुरान में आया, अल्लाह ने फरमा दिया, अल्लाह के रसूल अल्लाह ने फरमा दिए, क्योंकि कुरान से तो बढ़कर कोई किताब नहीं दुनिया के अंदर तुम्हारी रहबरी करने के लिए। कुरान के अंदर बता दिया कि जादू खराब है, अल्लाह ने बोल दिया उस सीखो मत, सीख के मियां से फूट मत डालो, लोग घर बर्बाद मत करो, बहुत जगह जिक्र आ रहा, तुम पढ़ो तुम्हारा समझ में आएगा। ये इल्म का दौर चल रहा है, ये अनपढ़ और जाहिलों का दौर नहीं है, ये दौर ऐसा दौर आ गया कि जो अंगूठा छाप भी थे उनको भी मोबाइल में इंग्लिश चलाने आ जा रही है। तो फिर स्टडी करो, पढ़ो, पढ़ नहीं सकते तो सुनो, सुन के समझो, हर चीज अवेलेबल है ना, और अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। मैं यही बात तुमको इसलिए बार बार बताता कि किसी का कुछ नहीं जाता जब उन्हें ओरिजिनल उस्ताद के पास पहुंच जाता, हटाने वाले के जब जादू के वार पलट जाते तो फिर तुम्हारी श्यामत आ जाती जादूगर की, जादू करने वालों की, उसके साथियां जीतते हो तो भी सबको मार पड़ना चालू होगी। तुम दूसरों के लिए खड्डा खोद रहे तो फिर वो खड्डे में तुम गिरते। ये ऐसे बातें हैं, बहुत सारे बातें, बहुत सारे राज है, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा तुमको। इसलिए किसी जादूगर के दर पर जाना नहीं, कोई जादूगर नहीं, कोई ये नहीं, ये सब बदमाश लोग रहते, तुम्हारे पैसे भी लूट लेते, तुम्हारा हलाक कर देते लास्ट में गर्क करके उल्टे पुल्टे चीजों से। इसलिए अल्लाह वालों के सोहबत में एक लम्हा बैठेंगे अल्लाह ने फरमा दिया उनके महफिल में तुम, तो 60 साल की इबादत का सवाब दूंगा अल्लाह फरमाता।
बताओ 60 साल में मौलवी और मुफ्ती ने कितने, 60 साल में मौलवी और मुफ्ती ने कितने सजदे करे होंगे? हाँ, उतने सजदों का, उतने इबादतों का, उतने कुरान पढ़ने का एक लम्हे में तुम्हारा सवाब दे दूंगा। तो वैसे ही तुम जादूगर की सोबत में अगर जाके बैठेंगे तो एक लम्हे में तुम्हारी सारी इबादत 60 साल की रब हो जाएंगी। फिर उतने सजदे, नमाजा, जिक्र, अस्कार, तुम्हारे जकाता दिया ले, तुम्हारी इबादत करे सब रद्द हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है इबादत करो, अल्लाह वालों की सोबत में बैठो तो तुमको कैसा है, तुम अगर नेक जगह पर जाकर बैठेंगे जहाँ बारिश बरसती है वहाँ तुम्हारे ऊपर भी रहमत की छींटे गिरेंगे। इबलीस के साथियों को, इबलीस के पुजारियों पर जाएंगे तो वहाँ लानत बरसती तुम पे भी छींटे गिरेंगे। तो अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कौन से आए थे? नानेर। हाँ नानेर। क्या कितने साल से परेशान है? शादी में जैसे उनपे डाउट था तुम्हारा? अच्छा, इससे पहले कितने बार हाजिर हुआ? सवाल जवाब क्या हुए? सवाल जवाब कुछ भी नहीं, थोड़ा। अच्छा, मैंने अभी हाजिर करने तुम्हारे कितने लाख लिया? 5 लाख, 4 लाख? जोर से बोलो। कैमरा मारूंगी तरफ। कुछ भी नहीं लिया। कुछ भी नहीं दिए। 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कुछ तो दिए होंगे? नहीं, कुछ भी नहीं दिए हाजिर करने के। कुछ भी नहीं। चलो, ऐसी दास्तान रहती है और बहुत सारे बातें हैं, मैं क्या बोलूं। जो ना मांगे सी को दर दर मांगे भी, जब तुम्हारे घर में वो बाएं घुसते तो जब पता चलता कि इनको कैसा सताते और कैसा परेशान करते, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं करते। बड़े बड़े मौलवी और मुफ्तियों को मेरे सामने लाए, उनके भी आंख में कमी निकाल आया मैंने। क्यों? वो कुरान नहीं पढ़ते थे? वो हदीस नहीं पढ़ते? वो नमाज नहीं पढ़ते? वो नमाज, कुरान, हदीस वो तुम्हारी इबादत है, वो अलग मामला है। और ये और वो बहुत ज्यादा कर दो फिर ये चलने नहीं देता, हो ये आने नहीं देती इबादत, फिर तुम्हारी ढाल बन के ठहर जाती। थोड़ी बहुत इबादत कर रहे तो फिर वो तुम्हारे खबर का सौदा है, वो जादू टोने को कहां से रोकेगा? बहुत सारे बात है, मगर इबादत की आदत डालो तो फिर तुम बच जाएंगे, फिर महफूज रहेंगे। ज्यादा इबादत करेंगे, बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा करने के बाद फिर तुम्हारे जैसा जिम जाके एक दिन में मारेंगे तो एक दिन में बिल्डर बन जाते क्या? 2 दिन में बनते क्या? 2 महीने में बनते क्या? कई साल मानना पड़ेगा ना। तो वैसा इबादत ज्यादा करेंगे तो फिर तुम्हारी ढाल बन के आ जाती है मैदान में, फिर वो इबादत करते। बहुत कुछ है कहने के लिए, इन शॉर्ट में थोड़ा बहुत बताया। ना कहने सुनने ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।